हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे जेफ बेजोस और अर्नॉल्ट के बारे में। फाइनली अर्नॉल्ट ने बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। यदि हम बात करें बिलनरी में, तो इनकी संपत्ति बेसिकली अर्नॉल्ट की बेजोस से ज़्यादा हो चुकी है। आइए बात करते हैं इनके बारे में। लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग। वेल, देखिए, एज ऑफ नाउ देखा है तो दुनिया के टॉप बिलनरीज में ये कुछ टॉप नेम हैं। लेकिन यदि हम रिसेंटली फोर्ब्स के नए अभी हाल ही में न्यूज़ की बात करें, तो यहाँ पे लिखा है बर्नॉल्ड अर्नॉल्ड बिकम्स वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन एज LVMH स्टॉक राइजेस। तो बेसिकली कभी कभी स्टॉक प्राइसेस राइज करती हैं, तो इसी कारण जो है बिलनरीज में अप्स एंड डाउन्स होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अर्नॉल्ड और बेजोस की जो प्रॉपर्टी, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन थोड़ा सा ही सही। बट फाइनली इनकी जो कंडीशन है वो रेज हो गई है। आप देख सकते हैं कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको दिखाया हुआ है कि इन्होंने जेफ बेजोस को ओवरटेक कर लिया है। चल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंच पैशन टाइकून है बर्नार्ड अर्नॉल्ट। तो पहली बात ये है कि टॉप बिलरीज में कई सालों से बेसिकली यहाँ पर अमेरिकन लोगों का बेसिकली यहाँ पर बोलबाला था। बट राइट नाउ थिंग्स आर चेंज। यूरोपियन कंट्रीज की हम बात करें तो उनका भी यहाँ पे परफॉर्मेंस राइट नाउ बढ़ रहा है। और स्पेशली हम बात करें अर्नॉल्ट की, तो ये बन गए हैं वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन। और ये भी मंडे मॉर्निंग में इनका नेटवर्थ हो गया है $186.3 बिलियन। और इसकी इनकी बात करें $300 मिलियन आगे चल रहे हैं जेफ बेजोस से। जेफ बेजोस के नेटवर्थ की बात करें, इनकी नेटवर्थ है लगभग $186 बिलियन। एलन मस्क की बात करें, थर्ड रैंक पे है, इनकी वर्थ है $147.3 बिलियन, जो कि काफ़ी पीछे हैं। लेकिन हम बात करें बर्नार्ड अर्नॉल्ट की, राइट नाउ ही इज हैविंग द वर्थ ऑफ $186.3 बिलियन। आप बोलेंगे क्या ऐसा क्या है कि जो फोर्ब्स की लिस्ट आती है उसमें तो काफ़ी वेरिएशन आता है। देखिए, फोर्ब्स की लिस्ट तो काफ़ी पुरानी आती है, तो वो जो एक लिस्ट आती है वो तो फिक्स रहती है। लेकिन समय समय पर फोर्ब्स अपडेट करता रहता है। जो कोई नई न्यूज़ होती है उसमें नए अपडेट के हिसाब से बेसिकली जो बिलरीज हैं उनका वर्थ घटता और बढ़ता भी रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द शेयर मार्केट। तो यहाँ पे देख सकते हैं अर्नॉल्ट का जो फॉर्च्यून है जंप किया $76 बिलियन मार्च 2020 से लेके अभी तक में, और $186.3 बिलियन हो गया। देखिए, इतना बड़ा ग्रोथ, मतलब दैट इज अ मैसिव ग्रोथ, $76 बिलियन का। आप सोच सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। राइट नाउ मैसिव राइज ऑफ ओवर $110 बिलियन इन पास्ट 14 मंथ। पिछले 14 महीने में उन्होंने $110 बिलियन एडिशन किया। और ये भी इसका कहीं ना कहीं रोल जाता है पैंडेमिक को, चूंकि इनका LVMH ग्रुप है, इसको काफ़ी रेज मिला। ये एक ओन हाउस होल्ड नेम है, जैसे फेंडी है, क्रिश्चियन डियोर है ना, ऐसे गिवेंची है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जो बेसिकली कह सकते हैं कि कंपनी जिनके पास में है। एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग ही गॉट मैसिव रेज। राइट नाउ यदि आप देख सकते हैं फोर्ब्स की लिस्ट के हिसाब से देखें तो जेफ बेजोस जो हैं ये बेसिकली फर्स्ट नंबर पे थे। यदि हम 2021 की लिस्ट की बात करें, आप बोलोगे 2021 की लिस्ट है फिर ये क्या है। वेल, देखिए 2021 की लिस्ट है, लेकिन कई बार शेयर मार्केट में उछाल आता है, डाउन्स होता है और अप होता है। तो उससे कारण क्या है कि यहाँ पर जो शेयर मार्केट के कारण यहाँ पे जो बिलरीज हैं उनकी जो वर्थ है उसमें रेज और फॉल होता रहता है। यदि आप 2021 की बात करें तो वहाँ पे ये है। लेकिन रिसेंटली यदि आप वहीं पे उनकी वेबसाइट में यदि आप सर्च करेंगे तो उनकी वेबसाइट में ही आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा कि राइट नाउ थिंग्स आर चेंज्ड। और यहाँ पे बर्नार्ड अर्नॉल्ट ने काफ़ी मैसिव परफॉर्मेंस किया और ये बन गए हैं वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन। वेल, देखिए कितने टाइम के लिए बने रहेंगे वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनकी वर्थ में और सेकेंड नंबर पे जो बेजोस हुए हैं उनकी वर्थ में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, महज $300 मिलियन का डिफरेंस है। तो आप सोच सकते हैं दैट्स नॉट बिग डिफरेंस। वहीं पे हम इंडिया की बात करें, इंडिया के मुकेश अंबानी की बात करें, इनका वर्थ दिखाया गया था $84.5 बिलियन। हालांकि अदानी जो ग्रुप है उनका भी काफ़ी मैसिव ग्रोथ मिला है। और अभी हाल ही की न्यूज़ है कि अदानी जो है एशिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं मुकेश अंबानी के बाद में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मतलब इंडियंस बिलनेस की संख्या भी काफ़ी बढ़ रही है। एनीवे, ये डिस्कशन आज का सर अबाउट दैट डिस्कशन कहीं वाइंड अप करते हैं। आने वाले कल में चैनल में बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, तो यदि आप चैनल के कंटेंट को देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।